और इसे, हाँ यार, इसे अब लॉन्च कर सकते हैं भाई साहब। देख रहे हो भाई, अपना मिसाइल यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है और मुझे यहाँ से भागना है क्या? सो हेलो गाइस, कैसे आप लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, हम सुबह सुबह सो करके उठ चुके हैं और हम लोग हैं अपने छोटे से स्पेसशिप में जहां हम लोगों ने स्टार्टिंग किए थे। और अगर हम लोग यहां पर बाहर निकले, और वेट भाई, भाई साहब इतनी सारी पानी यहां पर क्या कर रही है भाई? यार पूरा मामला पानी भाई, बाढ़ बाढ़ सा हो रखा है। और अगर मैं अपने घर के अंदर, भाई साहब अपने घर भी यहाँ पर आधे डूब चुके हैं भाई। यार ये तो दिक्कत है भाई। और यार मेरे घर में पानी आ चुका है। और एक मिनट, यहाँ पर यार अपना स्टोरेज बॉक्स हुआ करता था, वो कहाँ गए? और अगर मैं इधर के साइड पर चलूँ तो भाई साहब क्या वो मुझे यहाँ पर दिखेंगे? यार अपने सारे कंप्यूटर वगैरह सब गायब है। यहाँ पर अपने कंप्यूटर हुआ करता था, यहाँ पर अपना एक इंडेक्स हुआ करता था, हर एक चीज़ यहाँ से गायब है। और ऊपर से यहाँ पर बीचों बीच एक घर था, वो भी यहाँ पर गायब हो चुका है भाई साहब। मतलब देख रहे हो भाई, ये वाले जो घर है वो अपने यहाँ पर कंपार्टमेंट ही गायब हो रखे हैं। मतलब ये क्या चल रहा है भाई, मतलब पूरे पूरे घर अपने यहाँ पर तबाह हो चुके हैं यार। ऐसी क्या आफत आ पड़ी? और अपने सारे सारे वेजिट्यूब, और बस ये क्राफ्टिंग टेबल बस यहाँ पर रह रहा है। और भाई अपने वेजिट्यूब, और मैंने काफ़ी सारे हीटर भी लगा रखे थे भाई, वो सारे सारे हीटर वगैरह सब कहाँ हैं? यार ये तो भाई दिक्कत वाली बात हो गई भाई। तो क्या यार, अपने पास यहाँ पर हर एक चीज़ जा चुका है, लेकिन अगर मैं आप लोग को बताओ, वैसे यार काफ़ी ज़्यादा आंधी चल रही है, तो क्या यार अगर मैं आप लोग को बताओ तो ये सारे सारे कहीं गए नहीं है, बल्कि ये पानी बस यहाँ पर नेचुरली आ रखा है। बाकी यहाँ पर जितने सारी चीज़ें थे बस ये सोलर पैनल्स को छोड़ करके मैंने हर एक चीज़ उठा करके ले गया हूँ। बट यार मैं कहाँ लेकर के गया हूँ वो अभी आप लोगों ने नहीं देखा। मैं फटाफट से वहाँ पर चल करके आप लोग को दिखाता हूँ। वो जो आप लोग ग्रीन वाला बीकन देख रहे हो ना, वैसे मैंने यहाँ पर भी एक बीकन लगा रखा था, वो ब्लू कलर के थे। और यार अब इसका इतना काम है नहीं, क्योंकि अब ये वाला घर मैं छोड़ रहा हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो यहाँ के सारे सारे चीज़ें डीकंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ। बट यार इसे हम लोग अभी नहीं करेंगे, हम लोग इसे बाद में कर लेंगे। और वो जो आप लोग ग्रीन कलर का बीकन वहाँ देख रहे हो, तो मैं बेसिकली वहाँ पर गया था क्योंकि यार वहाँ पर एक फ्लैट लैंड भी था और सबसे ऊँची प्लेस भी है वो। तो वहाँ पर ना गाइस मैंने अपना एक नया बेस सेटअप किया है, अगर मैं आप लोग को वहाँ पर चल करके दिखाऊँ। और गाइस अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई मैं उड़ कैसे पा रहा हूँ, तो मैंने अपने आप को खूब हद तक अपग्रेड भी किया। मैं सबसे पहले आप लोग को अपनी स्टेटस दिखाता हूँ। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आप लोग देख लो, अपने पास इतने सारे स्लॉट्स हो रखे हैं जिसमें मैंने अलग अलग तरह की चीज़ें रखी है, बस ये दो स्लॉट्स अभी भी खाली है। तो यार इसका हम लोग कुछ नहीं कर सकते। और अपने पास इतने सारे स्टोर करने के लिए जगह बाकी है भाई साहब। यार अपनी इन्वेंट्री देख लो भाई, कितनी हद तक यहाँ पर बढ़ चुकी है, जो कि अपने ये वाले बैकपैक के थ्रू हुआ, जो कि अपने लेवल 5 के बैग है, जो कि यार काफ़ी ज़्यादा कमाल के बात है। और अपनी ऑक्सीजन टैंक की बात करें तो यहाँ पर 360 हो चुकी है। और अपने पास एक जेट पैक भी है, वैसे ये एलगी बूट्स है, बट यार अगर मैं आप लोग को बताऊँ तो ये रहे अपने जेट पैक। तो इसे बनाने के लिए गाइस मुझे दो रॉकेट इंजन लग गए थे, तो उसे ही अपना जेट पैक बन गया था। मतलब पहले मुझे लग रहा था कि वो रॉकेट्स के लिए, बट यार अभी मुझे पता चला कि वो अपने लिए थे, तो मैंने एक जेट पैक भी बना ली और मैं इसे उड़ भी पा रहा हूँ। बट यार मेरे काफ़ी सारे जेट पैक यहाँ पर अनलॉक हो रखे, लेकिन यार अभी तक मैं उसे पहना नहीं हूँ, उसका भी रीजन मैं आप लोग को बताऊँगा। तो फिलहाल गाइस हम लोग चलते हैं अपने घर की तरफ, और मैं आप लोग को यहाँ पर दिखा था। वैसे ये अपना घर नहीं है, ये बस मेरा एक छोटा सा बेस सेटअप था। अगर मैं आप लोग को बताऊँ ना तो अपना घर ये रहा भाई साहब। ये सारे सारे जितने सारे चीज़ आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, ये हर एक चीज़ मैंने खुद कस्टमाइज़ की है। और अगर मैं आप लोग को बताऊँ तो ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पर अपने सारे सारे मशीनरीज रहेगी, जैसे अपने ड्रिल्स वगैरह हो गए। बेसिकली ये मैंने ड्रिल्स के लिए ही बना रखा है। तो अब भी मेरे पास 5-5 बड़े वाले ड्रिल्स है, इससे ज़्यादा मैं बना नहीं पाया क्योंकि अपने पास पावर कट हो जा रही थी और साथ ही साथ रिसोर्स भी खत्म हो गए थे। और इधर आप लोग को लेके चलो तो यहाँ पर अपने सारे सारे T3 के, हाँ यार T3 के वेज ट्यूब है, जो कि मैंने यहाँ पर एक लाइन से ऐसे लगा करके रखे है, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रही है। और गाइस यहाँ पर जो मैंने जो जो प्लांट्स के यूज किए हैं वो काफ़ी हद तक ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रही है, सबसे ज़्यादा तो भाई ये वाले प्लांट कर रही है। और ये वाले प्लांट आप लोग को पता है मुझे कहाँ से मिली थी? ये वाली जो प्लांट है वो काफ़ी ज़्यादा रेयर प्लांट है, ये 600% यहाँ पर ऑक्सीजन जनरेट करती है। तो क्या सर ये वाली जो प्लांट है ना, ये काफ़ी ज़्यादा रेयर है, ये बस गोल्डन चेस्ट से मिलती है। और भाई साहब अपने ऑक्सीजन यहाँ पर, यार अपने ऑक्सीजन यहाँ पर काफ़ी लो हो रखी है। मैं फटाफट से अपने घर के अंदर चलता हूँ और अपना ऑक्सीजन पहले यहाँ पर भर लेता हूँ। तो ठीक है भाई, अपना ऑक्सीजन यहाँ पर भर चुका है। और गाइस अगर मैं आप लोग को बताऊँ ना तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, यहाँ पर आप लोग देख लो, ऐसे मैंने कर्व शेप का ऐसे बना रखा है। और इसके ऊपर में अगर आप लोग को देखा हो तो ये वाला जो एरिया है, ये अपना ऑफिस एरिया, अगर मैं इसके अंदर ले करके चलूँ तो ये अपने इंडेक्स वगैरह सब लगे हुए हैं। और ये क्या है भाई, यहाँ पर लेक्स बन रहा है। और भाई साहब मतलब यार वही बात है,
यहाँ पर लिक्विड वाटर के बाद अपना लेक्स आता है, तो यहाँ पर थोड़े बहुत लेक्स बनना स्टार्ट हो रखे हैं और इसीलिए अपने पुराने वाले घर पे पानी भर रखा था। और यहाँ पर अपने काफ़ी सारे पीसी वगैरह सब, अगर मैं इसकी बात करें तो यहाँ पर कोई भी सैटेलाइट वगैरह नहीं है। और इसमें बात करें तो अपने काफ़ी सारे मैसेज आ रखे हैं, जो कि एक मैसेज मैंने यहाँ पर पढ़ी भी नहीं थी, तो खैर उसमें हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है। और यहाँ पर जितने सारे चीज़ थे मैंने हर एक चीज़ को यहाँ पर अनलॉक कर रखा है, मतलब जो चीज़ें हमारे डिकोड करने के बाद अनलॉक होती है, तो वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर अनलॉक कर ली थी। और बिजली विभाग में अपने पास अब 5 न्यूक्लियर रिएक्टर है, जो कि 530 पावर जनरेट, वैसे यार इन सब का भी रोल है, बट यार ये काफ़ी हद तक एनर्जी जनरेट कर रही है। और अपना कंजप्शन जो है वो यहाँ पर 472 का है, जो कि यार कुछ ज़्यादा ही हाई है। और क्या क्या चीज़ें मैं आप लोग को अभी तो यार कुछ चीज़ें बताया ही नहीं हूँ। अगर मैं नीचे आऊँ, और हाँ गाइज अगर मैं ऊपर चलता हूँ ना, यहाँ पर उतने कुछ खास प्लेस है नहीं। और अब ना गाइज मैं आप लोग को ऊपर वाला सीन दिखा दो, पूरा पूरा क्या सीन है। और इधर से मैंने ऐसे डब्बे कनेक्ट कर रखा है, और यहाँ पर ना गाइज मैंने बिग लिविंग कंपार्टमेंट बना रखा है, जो कि अपने ये वाले हैं। और इसमें ना गाइज ऐसे बीच में गैप्स रहते हैं, जबकि मैं पहले ये वाला बनाया था, बट यार ये वाले बेकार लग रहे थे, तो मैंने ये हटा करके जब ये अनलॉक हुआ तो मैंने इसे बना दिया था। तो अब ना गाइज मैं इसके अंदर चल करके दिखाता हूँ इसके अंदर है क्या। वैसे यार कुछ भी नहीं है, ये अपना पावर हाउस है, मैंने यहाँ पर विंडोज भी लगा रखे हैं शीशे के, और ये अपना गेट है। तो गाइज ये बेसिकली ना पावर हाउस 2 है, जो कि एक पावर हाउस अपना उस साइड पर है, बट यार इसके अंदर अभी अगर हम देखें तो इसके अंदर भाई कुछ है ही नहीं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भाई कितना ज़्यादा स्पेस अपने को यहाँ पर मिल रहा है। और इसे मैंने सोचा था कि यहाँ पर भी अपने विंडो लगा दो और एक साइड इधर गेट लगा दो, बट यार मैंने वो काम किए नहीं, तो वो मैं बाद में कर लूँगा, अभी तो फिलहाल मैं यहाँ पर करना नहीं चाहता हूँ। और ठीक यही स्ट्रक्चर अपने उस साइड पर भी है, मैं आप लोग को यहाँ पर चल करके दिखाता हूँ। अगर मैं इधर अंदर घुसूँ तो यहाँ पर मैंने ग्लास लगा रखे थे, मैंने सोचा था कि पूरा पूरा मैं ग्लास का बनाऊँ, तो उसके लिए कुछ ज़्यादा ही रिसोर्स लग रहे थे, इसलिए मैंने उस काम को डिसकंटिन्यू कर दिया। और अब ना मैं बाहर निकल के दिखाता हूँ, मतलब ये बेसिकली है तो पावर हाउस, बट यार इसके अंदर कुछ पावर जनरेट के लिए है ही नहीं। और यहाँ पर अगर मैं देखिए तो यहाँ पर सारे सारे पावर जनरेशन वाले चीज़ें हैं, मतलब ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर आप लोग देख रहे हो ये पूरे ऊपर मैंने इसके ऊपर बना रखा है, क्योंकि यार अगर मैं आप लोग को बताऊँ ना तो ये इसके अंदर भाई लग ही नहीं रहे हैं। तो अपना ये वाला तो भाई प्लान फेल हो चुका है, मतलब यार अब हम लोग पावर हाउस को पावर हाउस की तरह यूज नहीं कर सकते हैं, उसका हम लोग इन फ्यूचर कुछ और बना लेंगे, बट यार ये डिज़ाइन मुझे अच्छी लगी इसलिए मैं फिलहाल के लिए। भाई साहब मैं कहाँ जा रहा हूँ, अबे यार जल्दी से उड़ भाई। तो हाँ गाइस मतलब इन फ्यूचर अगर मुझे ज़रूरत पड़े किसी चीज़ की तो मैं वो वाले कमरे यहाँ पर बना लूँगा, तो फिर यार कोई दिक्कतें नहीं आएगी। और अब ना गाइस मैं नीचे के साइड पर चलता हूँ और मैं नीचे का एरिया पूरा आप लोग को एक्सप्लोर करवाता हूँ। सबसे पहले हम लोग यहाँ से एंटर करते हैं, यहाँ पर अपना क्राफ्टिंग स्टेशन वगैरह सब है, ये एडवांस वाले हैं, ये अपने नॉर्मल वाले हैं, तो इनका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एडवांस वाले में आप लोग को पता है कि मैं क्या क्या बना सकता था। और हाँ गाइस ये बनाने के लिए ना मुझे यहाँ पर एक्सप्लोसिव पाउडर चाहिए, और यार ये लोग भाई मिलेंगे कहाँ पर ये तो यार मुझे पता ही नहीं है। और इसमें भाई मुझे क्या चाहिए, इसमें मुझे सल्फर चाहिए, मतलब ये वाली चीज़ें मैं अभी बना सकता हूँ। तो अपने बेसिकली हाँ यार अपने बेसिकली यहाँ पर T2 के जेट पैक बन जाएंगे, तो मैं फटाफट से ना गाइस सबसे पहले T2 के जेट पैक बना लेता हूँ। और हाँ गाइस मैं आप लोग को चलते चलते ये भी दिखा दूंगा अपने सामान यहाँ पर कहाँ कहाँ है। अगर मैं इधर के साइड पर चलूँ, यहाँ पर अपना एक और गेट आ जाता है जिसका नाम मैंने फूड चैम्बर रखा है, और यहाँ पर बेसिकली फूड गुड़ो वगैरह होते हैं। यार मैं बताने के चक्कर में भाई अपने वाटर भी काफ़ी ज़्यादा खत्म हो रखे हैं, तो मुझे सल्फर चाहिए थे ना, मैं सल्फर ले लेता हूँ। और एक ओजियम चाहिए थे मुझे, तो मैं ओजियम भी लेता हूँ, और ये दोनों चीज़ें मुझे मिल गई थी। और वो मुझे कैसे मिली थी वो भी मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूँगा। और हाँ गाइस इसको छोड़कर कि मुझे एल्यूमिनियम भी चाहिए थे, तो एल्यूमिनियम ये रहे तो ये मैं ले लेता हूँ। और साथ ही साथ ये सिलिकॉन भी चाहिए थे, मतलब सिलिकॉन नहीं ये सुपर एलॉय जो होते हैं वो भी मुझे चाहिए थे। और अगर मैं अभी जाकर के इसे क्राफ्ट करने की कोशिश करूँ तो क्या मैं अभी इसे क्राफ्ट कर सकता हूँ या फिर नहीं कर सकता हूँ। वैसे अगर देखा जाए तो भाई मैं इसे अभी क्राफ्ट कर सकता हूँ, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो अब ना गाइस मैं अपनी जेट पैक यहाँ पर उतार लेता हूँ, और यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि इसे यहाँ पर क्राफ्ट कर ही लो, तो फटाफट से भाई मैं इसे उतार लेता हूँ और इसे हम लोग फटाफट से क्राफ्ट कर लेते, जो कि अपने T2 के जेट पैक यहाँ पर हो जाएंगे। तो ये ना गाइस काफ़ी ज़्यादा सही बात हो गई अपने लिए, फटाफट से इसे पहन भी लेते हैं। और गाइस यार मुझे नहीं पता कि ये कितनी लिफ्ट देगा, बट यार हम लोग इसकी टेस्टिंग चलते फिरते कर लेंगे। तो खैर यार अब हम लोग चलते हैं आपको अपना घर दिखाने के लिए। तो गाइस यहाँ पर आप लोग जितने सारे स्टोरेज बॉक्स देख रहे हो ये मैंने पूरे यहाँ से लेकर के यहाँ तक बना रखा है, तो वो थोड़े बहुत आगे पीछे होंगे, तो उसमें यार थोड़ा सा इग्नोर करना, क्योंकि यार मैंने पूरी कोशिश की है इसे पूरा पूरा चिपका करके बनाने की। तो अब ना गाइस मैं आप लोग को ये बताने वाला हूँ कि मैंने यहाँ पर क्या किया है। यहाँ पर आप लोग जो जो देख रहे हो ना, यहाँ पर जिसके इसके नाम है वहाँ पर, जैसे यहाँ पर सुपर एलॉय है तो इसके अंदर सुपर एलॉय होने वाली है, मतलब पूरी पूरी सॉर्टिंग सिस्टम मैंने इसे बना रखी। ये एल्युमिनियम का सेक्शन है, और ये अपने आयरन का सेक्शन है, और ये अपने फैब्रिक का सेक्शन है, मतलब यार हर एक सेक्शन मैंने यहाँ पर ऐसे डिवाइड कर रखा है। और आई डोंट नो कि इससे ज़्यादा यहाँ पर कुछ होते भी है या फिर नहीं होते हैं। वैसे अगर होते होंगे तो मैं थोड़ी बहुत यहाँ पर भी स्टोरेज बॉक्स लगा सकता हूँ, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। बाकी यार हर एक चीज़
मैंने यहाँ पर कर रखा है। और गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मुझे यहाँ पर कितने सारे प्लांट्स मिल गए थे। और इतना ही नहीं, ये फूड वाले सेक्शन में भाई प्लांट्स ही भरे हुए हैं, और यहाँ पर सीड्स वाले सेक्शन में पूरे पूरे सीड्स भरे हुए हैं। और अब ना गाइस हम लोग चलते हैं सीधे अपने फूड चैम्बर में। तो यहाँ पर आने के बाद ये अपना एक पाथ हो गया, और उसके बाद ना गाइस यहाँ पर चार कमरे, एक कमरा ये हो गया, एक कमरा इधर के साइड पर है, और एक कमरा ये हो गया, और चौथा कमरा ये है। तो गाइस इस तरीके से मैंने यहाँ पर बना रखे हैं, और शायद अपने फूड पूरे पूरे यहाँ पर ग्रो भी हो गए। तो फटाफट से मैं इनको यहाँ पर कलेक्ट कर लेता हूँ। और गाइस इसके लिए भाई बिजली काफ़ी ज़्यादा लगती है, और अपने सारे सारे फूड जो है वो इस वाले स्टोरेज में रहते हैं। तो यहाँ पर ना गाइस अब हम लोग कुछ पार्टिकुलर फूड यहाँ पर लेने वाले हैं, और इसकी री स्टोर्ड हेल्थ यहाँ पर 35 है। ठीक है यार, मतलब मशरूम यार उतनी इफेक्टिव नहीं है, और इसकी 25 है। तो गाइस जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है ना वो ये वाली है, ये वाली जो प्लांट है बीन्स, इसकी हेल्थ जो है वो यहाँ पर 60 है। तो अब ना गाइस मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा कि बीन्स ही उगा, बीन्स को छोड़ करके मैं कुछ और यहाँ पर उगाने वाला हूँ नहीं। मतलब सबसे पहले मैं यहाँ पर बीन्स डालूंगा, और उसके बाद जो हो सके वो मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ। सो गाइस मैंने सारे सारे फूड ग्रोवर में अपने बीन्स तो डाल दिए हैं, और अब ना गाइस एक काम करती है, टमाटर भाई कितना देता है, आई थिंक यार इससे हमें 40, हाँ यार 40 तो मिलते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, लास्ट वाले में मैं यहाँ पर टमाटर ही उगा लेता हूँ। मतलब यार अभी तो अपने पास उतने सारे बीन्स वाले सीड है नहीं, मुझे लग रहा था कि यार काफ़ी ज़्यादा होंगे, बट यार उतने भी नहीं है जितना मैं सोच रहा था, तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ। और गाइस अगर मैं आप लोग को बताऊँ ना, तो ये जो फूड चैम्बर है यहाँ पर जितने सारे एरिया आप लोग देख रहे हो ना, ये सारे सारे एरिया में यहाँ पर अपने फूड ही बनने वाले हैं, और फूड छोड़ करके यहाँ पर और कुछ यहाँ पर होने वाला है नहीं। तो गाइस इतना काम यहाँ पर अपना हो गया, हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं। और अब ना गाइस मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पर और मैंने क्या क्या काम किया है। तो ये सारे हो गए इस वाले पार्ट में, और उधर वाले सेशन में मैंने क्या किया वो मैं आप लोग को यहाँ पर चल करके दिखाता हूँ। तो ये जो एरिया आप लोग देख रहे हो ये अभी स्टोरेज के लिए बनने वाला है, और यहाँ पर जो आप लोग चलोगे तो जैसे मैंने उधर फूड चैम्बर बनाया था ना, तो ये अपना हीटिंग चैम्बर है। और हीटिंग चैम्बर में अगर मैं आप लोग को चल करके दिखाऊँ, तो यहाँ पर आप लोग जितने सारे एरिया देख रहे हो इन सारे सारों में हीटर अपने आने वाले हैं। और गाइस मैंने ये बड़े वाले हीटर लगा कर रखे हैं, जो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं, बट यार हीट काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। और अभी के अभी अपने यहाँ पर 7.29 टेरा फॉर्मेशन हो गए, मतलब 7.29 मिलियन टेरा फॉर्मेशन हो चुके हैं, जो कि यार काफ़ी ज़्यादा है। और भाई मुझे हाँ यार यहाँ से बाहर निकलना है, तो अपने गाइस मैं यहाँ से बाहर निकल जाता हूँ। और गाइस अब जो समस्या अपने को आ रही है वो इस बात की आ रही है, देखो यार हम लोगों ने केस भी काफ़ी सारे एक्सप्लोर किए हैं, और ये बायोप्लास्टिक वगैरह सब मुझे कहीं ना कहीं से मिल गई थी। और ये आइस की अगर हम लोग बात करें, तो भाई एक टाइम ऐसा था ना कि मुझे आइस यार जहाँ मन वहाँ मिल जाते थे, बट यार ऐसा भी कुछ नहीं है, मुझे यार आइस के लिए काफ़ी ज़्यादा पापड़ बेलनी पड़ रही है। तो उसके लिए ना गाइस मैंने क्या सोचा है, यहाँ पर कुछ बनाओ उसके लिए। तो मैं ना गाइस अपने आइस के लिए इसे बनाना चाहता हूँ, अगर मैं आप लोग को दिखाऊँ ना, तो ये जो आप लोग देख पा रहे हो शायद से हाँ यार ये वाले हैं। तो इसके लिए मुझे आयरन चाहिए, सिलिकॉन चाहिए, कोबाल्ट चाहिए, एल्युमिनियम चाहिए, भाई साहब गनई चीज चाहिए भाई। तो मतलब यार इतने सारे चीज़ें मुझे ला करके, और सुपर एलॉय तक चाहिए, तो इतने सारे चीज़ें ला करके मुझे यहाँ पर बनाने पड़ेंगे। और फिर ना गाइस इसे बनाने के बाद अपने पास यहाँ पर अनलिमिटेड वाटर बोतल हो जाएंगे। तो अब ना गाइस मैं सोच रहा हूँ ये सारी सारी चीज़ें ला करके अपने घर के कहीं आसपास बना लो, तो वो यार काफ़ी ज़्यादा सही बात रहेगा। तो फटाफट से मैं वो सारे सारे रिसोर्स यहाँ से कलेक्ट कर देता हूँ, मैं फिलहाल के लिए यहाँ पर दो बना रहा हूँ, उससे ज़्यादा मैं बाद में बना लूँगा। सो गाइस फाइनली मैंने यहाँ पर जितने सारे रिसोर्स मुझे लगने चाहिए थे वो सारे सारे रिसोर्स मैंने यहाँ से कलेक्ट करके ले आया हूँ। अगर मैं आप लोग को दिखाऊँ तो सारे सारे रिसोर्स यहाँ पर कलेक्ट हो चुके हैं। तो अब ना गाइस इसे बनाने की बारी है, तो मैं सो रहा हूँ यहाँ पर अपने इस जगह पर बनाऊँ, क्योंकि यार ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर प्लेस है इसे बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं अगर चाहूँ तो बना सकता हूँ, और ये एक अच्छी सी लुक भी, हाँ यार लुक तो भाई अच्छी खासी दे रहा है। तो मैं ना गाइस एक यहाँ पर बना लेता हूँ, मैं इधर से उतर करके बना लेता हूँ, तो मैं एक यहाँ पर इस साइड पर ऐसे बना लूँगा, और दूसरा जो है वो अपने उधर वाले साइड पर बना लूंगा। तो इससे यार एक प्रॉपर से एक लुक बन जाएगी। तो एक अपना ये लग गया, और दूसरा मैं ठीक इसी तरह इस साइड पर बना लेता हूँ, और थोड़ा सा इससे के आगे यहाँ पर ला करके ऐसे हम लोग यहाँ पर बना देते हैं। और इसकी अगर हम बात करें तो ये हमेशा अपने लिए पानी यहाँ पर जनरेट करते रहेंगे, तो वो यार अपने लिए काफ़ी ज़्यादा सही बात हो जाएगी। तो अभी तक तो यार इन्होंने पानी जमा वैसे किया नहीं है। और गाइस इसकी जो स्पीड है वो थोड़ी सी ज़्यादा मुझे लग रही है, मतलब एटलीस्ट पिछले वाले से तो ज़्यादा बेटर इसकी स्पीड है, तो वो यार काफ़ी ज़्यादा सही बात है। और गाइस यहाँ पर आप लोग जितने सारे रेड रेड मार्कर देख रहे हो ना, मतलब अगर आप लोग यहाँ पर चेकआउट करोगे तो ये जो आप लोग रेड वाला मार्कर देख रहे हो, तो ये रेड वाला मार्कर ना गाइस वो केव्स के लिए है। मतलब जो जो मैंने यहाँ पर केव्स एक्सप्लोर किए थे, तो वो सारे केव्स में मैंने ऐसे रेड मार्कर बना दिए हैं। और ये जो आप लोग येलो मार्कर देख रहे हो, तो येलो मार्कर के लिए मैं आप लोग को थोड़ी सी सरप्राइज है, वो मैं आप लोग को बाद में बता दूंगा। और गाइस इतना ही नहीं, मैंने अपने लिए वाटर का तो जुगाड़ कर लिया, बट यार अगर मैं आप लोग को बताऊँ तो अपने लिए काफ़ी ज़्यादा रिसोर्स भी लगते हैं, मतलब हर एक काम करने के लिए भाई रिसोर्स तो लगने वाले हैं। तो रिसोर्स के लिए ना गाइस मैं ये वाली चीज़ें बनाने वाला हूँ, ये जो आप लोग देख रहे हो, एक मिनट भाई
ये जो आप लोग ओड स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, तो मुझे ये बनाने हैं। इसके लिए मुझे आयरिडियम के रॉड चाहिए और सुपर एलॉय, भाई साहब यार काफ़ी ज़्यादा महंगे महंगे चीज़ें चाहिए भाई। तो अभी मैं एक काम करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं यहाँ से ओजियम, यार अपने पास चार ही ओजियम बस बाकी है। वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग कहीं से भी ओजियम ला सकते हैं। वैसे मुझे केस का तो पता चल चुका है, बट मुझे यहाँ पर जो जो चीज़ें चाहिए थी वो हर एक चीज़ मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, और उसके बाद ना गाइस हम लोग चलेंगे इसे बनाने के लिए। सो गाइज़र फाइनली मैंने हर एक चीज़ यहाँ पर जमा कर लिया हूँ, और गाइज़र इसकी जो लुक है वो इतनी भी अच्छी नहीं है कि मैं अपने घर के आसपास उसे बना सकूँ। तो मुझे ना गाइस एक ऐसी जगह डिसाइड करनी पड़ेगी जो कि यार मतलब इसकी लुक ख़राब नहीं होनी चाहिए। वैसे अगर देखा जाए तो भाई इसकी लुक तो अच्छी है, बट यार यहाँ के हिसाब से परफेक्टली सूट नहीं करने वाली है। तो गाइज़र इससे जो है मैं इस साइड पर बनाने वाला हूँ, तो इससे यार काफ़ी सही बात हो जाएगी अपने लिए भाई, अनलिमिटेड ओड यहाँ पर मिलने वाले अपने को। और मैं सोच रहा हूँ यहीं कहीं से बना दूँ, और अगर इसकी प्लेस मुझे यहाँ पर बदलनी पड़ेगी तो वो भी मैं बदल डालूंगा। और अपने पास हाइड्रेशन लेवल काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है, और अगर मैं इसकी बात करूँ तो क्या इसके अंदर कुछ, यार अभी तो ये आयरन निकालेंगे, बट यार कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आयरन भी मिल रहे तो वो काफ़ी ज़्यादा सही बात है। क्योंकि यार एक टाइम ऐसा था ना कि मैं आयरन के लिए भाई रो दिया था, तो अभी मुझे यहाँ पर पानी की ज़रूरत है, बट यार अपने पास तो भाई आइस है ही नहीं, तो मुझे पानी के लिए गाइस यहाँ पर चलना पड़ेगा, अपने डोम में से यहाँ पर पानी निकालने पड़ेंगे। इसके अंदर एक वाटर बोतल यहाँ पर जमा हो चुके हैं, और गाइस जब अपने पास यहाँ पर अनलिमिटेड वाटर बोतल हो चुके हैं तो मैं क्यों ना इसे एक पी लेता हूँ, और इसके अंदर भी भाई एक वाटर बोतल होगा ही होगा। तो गाइस देख रहे हो भाई इतनी जल्दी जल्दी यहाँ पर वाटर बोतल मिल रही है, भाई क्या ही बोलो। और अब ना गाइस अपना जो एक ऑड स्ट्रक्चर बाकी रह गया उसे मैं इसके अंदर बनाने वाला हूँ। इसके अंदर ना गाइस आप लोग को पता है आयरिडियम मिलते हैं, और गाइस अब जाकर के यहाँ पर बारिश भी होने लग गई है, जो कि यार काफ़ी ज़्यादा सही बात है। तो फटाफट से इसके अंदर चलते हैं। वैसे यार आयरिडियम इसके अंदर जितने भी सारे थे ना, मैंने एक को भी नहीं छोड़ा, मैंने हर एक आयरिडियम यहाँ से निकाल लिए थे। और गाइस इधर यहाँ पर देख रहे हो भाई पूरा पूरा मैंने केव खोखला कर रखा है। आयरिडियम नहीं, मैंने यहाँ से एल्युमिनियम भी ले लिए थे सारे सारे। अभी आप लोग को यहाँ पर एक भी एल्युमिनियम या फिर आयरन देखने के लिए नहीं मिलने वाले हैं। तो फटाफट से ये सारी चीज़ें भी मैं बना लेता हूँ जो कि मुझे यहाँ पर बनाने थे। बेसिकली अपना ओल्ड स्ट्रक्चर था, अगर यहाँ से मुझे आयरन मिले तो भाई इसकी लोकेशन मैं यहाँ पर बदलने वाला हूँ, क्योंकि यार मुझे आयरन तो भाई चाहिए ही नहीं। और वेट भाई, पावर तो भाई यहाँ पर कट हो चुकी है, और ठीक है भाई यहाँ पर मुझे आयरिडियम मिलने हैं, जो कि यार अपने लिए काफ़ी ज़्यादा सही बात हो गई। और पावर जो कट हुई है मुझे ये भी देखना पड़ेगा भाई कितनी पावर यहाँ पर कट हुई है, और पता चले कि भाई अपने को कुछ ना कुछ यहाँ पर बड़ा जुगाड़ करना पड़ेगा। मतलब यार मैं बार बार वो चीज़ें बना नहीं था न्यूक्लियर रिएक्टर, उसके लिए भाई मुझे यहाँ पर काफ़ी कुछ करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं आप लोग को बताऊँ तो मुझे उसके लिए ना गाइस यूरेनियम चाहिए होंगे, तो क्या इधर यूरेनियम यार काफ़ी ज़्यादा रेयर आइटम भाई, मैं उतनी गैदर यहाँ पर नहीं, मतलब मिल जाए वही बड़ी बात है, मैं गैदर करने की बात नहीं बोल रहा हूँ। और यहाँ पर आप लोग येलो येलो मार्कर देख रहे हो, उसका यार थोड़ा सा आप लोग सरप्राइज रखो, वो मैं आप लोग को बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा कि आखिर मैं वहाँ पर क्या करने वाला हूँ। तो अभी मैं चेकआउट कर लेता हूँ भाई अपने पास यूरेनियम है कितने सारे। वैसे अगर देखा जाए तो अपने पास यहाँ पर टोटल 7 ही यूरेनियम है, तो 7 से तो अपना काम होने वाला है नहीं, क्योंकि यार उसके लिए भाई अपने को रॉड बनाने पड़ते हैं, और रॉड भाई 9 से बनते हैं। आप लोग यहाँ पर देख लो भाई, मतलब यार ऐसे तो काम होने वाला है नहीं, तो मुझे बेसिकली यूरेनियम खोज करके लाने पड़ेंगे। तो वो यार अभी तो पॉसिबल मुझे नहीं लग रहा है। मुझे किसी ने बताया था कि रॉकेट से ना गाइस वो सारे सारे रेयर आइटम्स आते हैं, जो कि यार मुझे बेसिकली देखने के लिए नहीं मिलते हैं। तो अब ना गाइस मतलब यार मैंने काफ़ी हद तक यहाँ पर एक्सप्लोर भी की थी, बट यार मुझे तो भाई आयरिडियम की नहीं बल्कि यूरेनियम की कोई भी ऐसी जगह मिली नहीं जहाँ की यूरेनियम मिलते हैं। तो अभी मुझे यहाँ पर एक ये बनाने पड़ेंगे, मतलब इस जगह पे मैं बेकार चले गया पहले ही, तो मुझे यहाँ पर इसे बनाने हैं जो कि अपना लॉन्चर है। उसके लिए मुझे सुपर एलॉय की ज़रूरत है, जो कि अपने पास अभी एक भी नहीं होने वाले हैं। तो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टाइटेनियम का हम लोग जुगाड़ कर लेंगे, आयरन अपने पास यहाँ पर भड़ भड़ के होने वाले हैं। और अब मैं सीधे अपने घर चलता हूँ, और उसके बाद नगर हम लोग सबसे पहले सुपर एलॉय बना लेते हैं। मुझे पता है कि अपने पास यहाँ पर एक भी नहीं बचे हैं, तो फटाफट से ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर अरेंज कर लेते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पर एक रॉकेट वाली चीज़ें बनाने वाला हूँ, ताकि अपने पास यहाँ पर पावर जल्दी आ सके, मैं उससे ना गाइस जितनी हो सके उतनी यूरेनियम यहाँ पर लेने वाला हूँ। तो फटाफट से सुपर एलॉय अपने पास है कितने, वैसे अपने पास एक भी नहीं है, बट यार मुझे यहाँ पर 3-3 चाहिए, तो मैं हर एक चीज़ यहाँ पर 3-3 लेने वाला हूँ। सो गाइस फाइनली मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, और अब ना गाइस मुझे जितने सारी चीज़ें लगने थे बनाने के लिए, तो वो ना गाइस मैं हर एक चीज़ यहाँ से इकट्ठा करके ले आया हूँ, और इससे मैं कुछ इस वाले डायरेक्शन में बनाने वाला हूँ। और भाई साहब यार ये तो भाई कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, अगर मैं इसे यहाँ पर बनाना चाहूँ तो भाई मैं बना भी पाऊँगा या फिर नहीं बना पाऊँगा। एक मिनट भाई, कहीं तो गिरी नहीं हुआ था, मतलब कहीं तो भाई हो रहा है, बट यार मुझे एग्जैक्टली यार थोड़ी देर टाइम के लिए हो रहा है, बट यार ये तो गाइस यहाँ पर ग्रीन हो रहा है, तो यहाँ पर मैं इसे कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ। भाई साहब यार देख रहे हो भाई कितनी ज़्यादा इसकी बड़ी साइज है, और इतने सारे भाई रैंप वगैरह सब लगे हुए हैं, और इधर से ये सीढ़ी लगी हुई है, तो मतलब हम लोग यहाँ से सीढ़ी से ऐसे चढ़ करके जाने वाले हैं, और अभी और ऊपर मुझे चलने हैं। ठीक है भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे अगर मैं और ऊपर चलूँ तो यहाँ पर क्या है भाई क्लाइंब, ओके तो मुझे सबसे ऊपर आने हैं,
और यहाँ पर मैं क्या करता, यहाँ पर एक पीसी लगे हुए, ठीक है भाई, पीसी के अंदर भाई दिखाओ क्या चीज है। तो इसके अंदर भाई चार चार तरह के मिसाइल्स है, तो मैं देखना चाहता हूँ कि भाई इसमें होते क्या क्या है ये सारे मिसाइल्स में। तो गाइस ये वाले जो मिसाइल है उससे मुझे यहाँ पर यूरेनियम मिलते हैं और इस वाले मिसाइल से मुझे आयरेडियम मिलते हैं। बट यार ये दोनों काहे बात की है भाई वो मुझे नहीं पता। तो अब नगर मैं एक काम करता हूँ, इसे बनाने के लिए मुझे 2 सुपर एलॉय चाहिए, 3 कोबाल्ट चाहिए और साथ ही साथ रॉकेट इंजन चाहिए। मैं फटाफट से हर चीज यहाँ पर क्राफ्ट करके आता हूँ और देखता हूँ भाई ये काम कैसे करता है। सो गाइस फाइनली यहाँ पर काफी ज्यादा रिसोर्स गैदर करने के बाद मैंने हर एक चीज यहाँ पर जमा कर लिए जो कि मुझे यूरेनियम की रॉकेट लॉन्च करने में काम आएगा। तो गाइस इसके लिए हर एक चीज है मेरे पास और गाइस इसे इकट्ठा करना ना गाइस मतलब यार थोड़ा सा टाइम टेकिंग है बट यार इजिली हो जाते, तो फिर यार कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो फटाफट से यहाँ पर एक मिसाइल लॉन्च कर देते हैं और एक मिनट भाई वेट, ये रहा अपना पूरा पूरा मिसाइल। और गाइस वो जो कोबाल्ट लगा था ना उससे बेसिकली इसके सोलर पैनल बने थे और इसे, हाँ यार इसे अब लॉन्च कर सकते हैं। भाई साहब देख रहे हो भाई अपना मिसाइल यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है और मुझे यहाँ से भागने हैं क्या? वेट भाई ये तो भाई उड़ लिया और ये ऊपर जाके भाई होगा क्या इससे? आई थिंक यार एस्ट्रॉयड वगैरह सब गिरेंगे। वैसे उसमें लिखा हुआ था कि ये अट्रैक्ट करता है यूरेनियम को स्पेस से, तो देखने वाली बात ये है कि भाई क्या अट्रैक्ट करके भाई क्या ही करेगा। और यहाँ पर ओले पड़ने आई थिंक यार स्टार्ट हो चुके हैं। वेट भाई पूरी पूरी यहाँ पर मौसम बदल चुकी है और कुछ होंगे क्या यहाँ पर? यार यहाँ पर देखो भाई मतलब देख रहे हो भाई कितने ज़्यादा ओले बरस रहे। वैसे अभी एक बरसा यार गन ही बरस रहे भाई, कहीं ना कहीं तो भाई आए होगी। वैसे एक तो भाई मेरे सामने गिरे हैं बट यार बाकी सारे तो एक ये रहे दो ये रहे, तो क्या इधर देख रहे हो भाई एक वहाँ गिरा है, ठीक है भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक उधर से आ रहा है मतलब एक ही डायरेक्शन से आ रहा है या फिर अलग अलग डायरेक्शन से आ रहे हैं ये भी भाई पता नहीं चल रहा। मतलब तीन तीन बेसिकली अभी तो गिरे हैं बट यार अभी और भी आना बाकी है। एक तो भाई एकदम से मेरे माथे पर है, भाई कहीं अपने माथे पर गिर गया तो भाई दिक्कत वाली बात हो जाएगी। वैसे अपने ऑक्सीजन लेवल यहाँ पर कम हो रही है बट यार कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और भाई सारे जितने सारे रिसोर्स है ना सारे सारे यहीं पर गिरे हुए, तो फिर यार कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। वैसे यार एक मिनट भाई अभी और भी गिरना बाकी है। तो गाइस ये पूरा बड़ा परफेक्ट प्लेस है इसे यहाँ पर गिराने के लिए, इससे हम लोग यहाँ पर चुन भी सकते हैं। तो फटाफट से ना गाइस एक मिनट भाई, और एक भाई अपने यहीं पर गिर गया। और गाइस देख रहे हो भाई कितने ज़्यादा यहाँ पर यूरेनियम अपने को देखने के लिए मिल रहे हैं। तो खैर अब आई थिंक यार अब यहाँ पर होने वाले नहीं है। तो अब ना गाइस हम लोग यहाँ से नीचे उतरते हैं, सबसे पहले हम लोग अपना ऑक्सीजन फिल करके आते हैं और फिर ना गाइस हम लोग यहाँ पर चुनने का काम करने लग जाएंगे। तो अब यहाँ पर आते हैं और भाई साहब देख रहे हो भाई कैसे कैसे गंदी गंदी जगह पर ये गिर रखे हैं। फटाफट से भाई इसके अंदर चलो थोड़ा सा सांस ले लेते हैं और उसके बाद हम लोग चलेंगे आयरेडियम को। आयरेडियम को नहीं भाई मेरे मुंह से बार बार आयरेडियम ही निकलते हैं। तो उसके बाद चलेंगे यूरेनियम को यहाँ पर कलेक्ट करने के लिए। तो फटाफट से इनको मैं कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता हूँ। भाई साहब यूरेनियम अब हम लोग यहाँ से गैदर कर सकते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यार ये पत्थर वगैरह सब जो यहाँ पर आके पड़ गए हैं भाई मतलब ये ऐसे ही रहेंगे या फिर इसका कुछ हो भी पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा? वैसे मुझे 9 चाहिए थे ना, तो अगर मैं इसके अंदर भाई यहाँ पर चलूँ तो मतलब यार इसके अंदर मतलब कुछ कुछ यार अपने से मिस हो पा रही है। तो यार ये तो भाई दिक्कत वाली बात हो गई। एक मुझे यहाँ दिखे थे मतलब दो दिख गए भाई, एक मैं यहाँ से ले लेता हूँ और दूसरा आई थिंक यार यहीं कहीं होने चाहिए। हाँ यार एक ये रहा, यार एक मिनट ये तो मुझे भाई दिख नहीं रहे हैं, इससे भी उठा लेते हैं। भाई साहब यार अपने पास देख रहे हो भाई कितने ज़्यादा आयरेडियम नहीं यूरेनियम हो चुके हैं। सो गाइस फाइनली मुझे जितने सारे यूरेनियम यहाँ से कलेक्ट करने थे मैंने वो सारे यूरेनियम यहाँ से कलेक्ट कर लिए बट यार काफ़ी सारे मैं नहीं भी कर पाया क्योंकि यार अभी तक पत्थर से वो ढके हुए। जब यार हो सके इन फ्यूचर पत्थर अगर गायब हो जाए तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर उसे कलेक्ट कर पाएंगे। और अपने पास यार काफ़ी ज़्यादा यूरेनियम यहाँ पर हो चुके हैं तो फिर यार हम लोग उसे एक रोड तो बना ही सकते हैं। तो फटाफट से एक रोड बना लेते हैं और रोड बनाने के बाद अब मुझे यहाँ पर आइस लेने, वैसे अपने पास यार एक ही आइस बचे हुए हैं, फिर यार मैं उसे बनाऊंगा मतलब जो अपने न्यूक्लियर रिएक्टर है उसे बनाने के लिए भाई 2 बोतल पानी भी तो चाहिए होते हैं, वो तो यार अपने पास एक ही बोतल होने वाले हैं मतलब देख रहे हो भाई। और 3-3 सुपर एलॉय चाहिए, तो सुपर एलॉय का भाई जुगाड़ हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट यार यहाँ पर काफ़ी कुछ की कमी हो रखी है, इसका मतलब यार मुझे पानी, यार पानी तो भाई यहाँ से तो मुझे मिलने वाले हैं नहीं, तो मुझे यार इसके लिए आइस का जुगाड़ करना पड़ेगा। तो फटाफट से वो सारी चीज़ें मैं कलेक्ट कर देता हूँ और फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ। सो गाइस अभी ना मैं क्या क्या यहाँ पर आप लोग देख रहे हो जितने सारे न्यूक्लियर रिएक्टर है वो सारे यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो मैंने 2 चीज़ें यहाँ पर डीकंस्ट्रक्ट कर दी, पहले अपना मिसाइल लॉन्चर जो था वो मैंने डीकंस्ट्रक्ट कर दिया और दूसरा जो अपना ओल्ड स्ट्रक्चर था वो मैंने डीकंस्ट्रक्ट कर दिया। वो मैंने इसीलिए किया ताकि मुझे यहाँ से पानी मिल सके, यहाँ जो आप लोग देख रहे हो तो इसमें से मुझे पानी मिल सके। और गाइस मैंने गलती से भाई इससे भी डीकंस्ट्रक्ट यार क्यों कर दिया,
तो उसके लिए मुझे दोबारा यहाँ पर बनाने पड़ेंगे। तो ये रहे से मैं दोबारा बना लेता हूँ, खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यार ये तो भाई लग भी तो नहीं रहे हैं। सो गाइज़र, फाइनली मैंने हर एक चीज़ यहाँ से जमा कर ली है। और अब ना गाइज़, मुझे यहाँ पर पावर जनरेट के लिए एक न्यूक्लियर रिएक्टर लगा देने चाहिए, और इससे दोबारा से यहाँ पर पावर रिस्टोर हो चुकी है। और अब ना गाइज़ मैं देखता हूँ कि अब अपने बिजली विभाग में क्या इनफ पावर है या फिर नहीं है। अभी भी यहाँ पर कुछ ना कुछ कमी होने वाली है। वैसे अगर देखा जाए तो भाई काफ़ी ज़्यादा पावर है यहाँ पर, तो फिर यार कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो अब मुझे यहाँ पर जो जो काम करने थे, वैसे यहाँ पर फूड लेवल अपना कम हो चुका है, फटाफट से मैं जा करके सबसे पहले फूड खा लेता हूँ। तो उसके लिए आपको पता है कि मैं कहाँ जाता हूँ, अपने फूड चैम्बर में जाता हूँ, और यहाँ पर जाकर के सिर्फ और सिर्फ बीन्स खाने वाला हूँ। बट यार बीन्स तो है ही नहीं, तो अभी काम कर लेते हैं, ये खा लेते हैं और दूसरा भी भाई यहीं खा लेते हैं, तो इससे अपना काम यहाँ पर हो जाएगा। और फटाफट से यहाँ से बाहर निकलते हैं। और अब ना जो सारी चीज़ें मैं डिकन्स्ट्रक्ट कर चुका था, वो सारे सारे चीज़ें मैं दोबारा से यहाँ पर डिकन्स्ट्रक्ट कर देता हूँ, ताकि यार कोई दिक्कत वाली बात होने नहीं चाहिए। वो सारे सारे आइटम मैंने इसमें रखे थे, और ये सारे फालतू के आइटम मैं इसमें रखवा था, जो इसका काम यहाँ पर अभी है नहीं। तो फाइनली अपने सारे सारे आइटम यहाँ पर हो रखे हैं। तो अब ना यहाँ से मैं बाहर निकलता हूँ, और जहाँ मैंने जो चीज़ें बनाई थी वहाँ मैं दोबारा से लगा देता हूँ। सो गाइज़र, अभी एक बैड न्यूज़ आ चुकी है। तो गाइज़र वो बैड न्यूज़ क्या है ना, कि अगर हम लोग यहाँ पर बिजली का स्टेटस चेक करें, तो अपने जितने भी सारे सोलर पैनल्स वगैरह सब थे, वो सारे सारे अब यार डूब चुके हैं, तो उसका काम अब यहाँ पर होगा नहीं। तो उसके लिए ना गाइज़ मुझे एक और न्यूक्लियर रिएक्टर लगाने पड़ेंगे, जिसके लिए यार सामान गैदर करते करते भाई काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, और फाइनली मैंने उतने सामान यहाँ पर जमा कर लिए। और एक बार मैं इसे यहाँ पर लगा दूँ तो अपने सारे सारे पावर दोबारा से रिस्टोर हो जाएंगे। बट यार वो सारे सारे जो सोलर पैनल्स वगैरह सब थे, वो तो अब यार चले गए, तो उसका हम लोग यहाँ पर कुछ कर नहीं सकते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पर बिजली का स्टेटस चेक करें तो अभी भी अच्छे खासे हैं। तो अब नगर मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ वो मैं आप लोग को यहाँ पर बताता हूँ। तो अभी मुझे यहाँ पर क्या बनाना है वो मैं अभी रॉकेट लॉन्चर यहाँ पर बनाने वाला हूँ नहीं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ओर एक्सट्रेटर बना देता हूँ, उससे कम से कम अपने को यहाँ पर ओर्स वगैरह सब मिलते रहेंगे, और उससे हम लोग सुपर एलॉयस वगैरह सब बनाएंगे, तो सर काफ़ी सही सीन हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें मैं रखवा देता हूँ, जो जो अपने फालतू की चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें मैंने रखवा दी हैं। और यहाँ पर और भी कुछ अगर ले पाऊँ तो ले लेता हूँ, और मैं आयरिडियम वगैरह सबको इसको मैं काम करूँगा अगर मैं चाहूँ तो। एक मिनट, सबसे पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि इससे बनाने के लिए लगते क्या क्या। वैसे तीन तीन सुपर वाले लगते हैं, और ज़्यादा कुछ खास लगता है नहीं, वो चीज़ें मुझे यहीं पर मिल जाएंगे। तो बाकी सारे जितने फालतू के सामान हैं वो मैं इसमें फ़िलहाल के लिए रखवा देता हूँ, और उसके बाद नगद मैं वही चीज़ें यहाँ पर उठाने वाला हूँ जिसकी मुझे यहाँ पर फ़िलहाल ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पर तीन तीन सुपर वाले, वैसे यार चार चार उठ गए, वैसे मुझे तीन ही चाहिए थे। तो फटाफट से बस मैं यहाँ पर ओर माइन बना देता हूँ, और उससे नगद अपने को ओर वगैरह सब मिलते रहेंगे, तो फिर यार उसकी कोई दिक्कत होगी नहीं। तो गाइज़र इस तरीके से यार अपनी एक बैड न्यूज़ आ चुकी थी, जो कि मैंने दोबारा से उसे रिस्टोर कर लिया, तो फिर यार कोई दिक्कत है नहीं। और अब ना गाइज़ मैं काम करता हूँ, ओर माइन को मैं सोच रहा हूँ थोड़ी सी उस वाले डायरेक्शन बनाऊँ, ताकि यार यहाँ से जितने सारे ओर है वो उसके अंदर कलेक्ट हो सके। और यहाँ पर अगर मैं बनाता हूँ तो ये आई थिंक यार उसके लिए सबसे प्रॉपर जगह होगी, और मिसाइल लॉन्चर को मैं उस जगह पर बना दूंगा। तो इस तरीके से अपना काम यहाँ पर होने वाला है। तो फटाफट से मैं एक ओर एक्सट्रैक्टर को यहाँ बना देता हूँ, और आई थिंक यार इससे बिजली यार कुछ ज़्यादा इफेक्ट हुआ होगा ना। अगर मैं यहाँ पर चल करके बिजली का स्टेटस चेक करूँ, तो मैं यहाँ पर चेकआउट करना चाहता हूँ कि यार बिजली में कुछ दिक्कतें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर बिजली में भाई दिक्कतें होगी तो फिर तो यार समस्या वाली बात हो जाएगी। तो यहाँ पर अपने 562 है, और यार अब भी अगर मैं चाहूँ ना तो मिसाइल लॉन्चर अगर मैं चाहूँ तो बना सकता हूँ, तो यार क्यों ना चल के मैं लगे हाथ बना ही लेता हूँ, क्योंकि यार उसे ही रहना यार काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं फिलहाल के लिए बना देता हूँ, अगर मुझे उसे हटाने की जरूरत पड़ेगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग उसे हटा भी देंगे। और उसके लिए मुझे भाई क्या क्या चाहिए थे मैं काम करता भाई सब ले लेता हूँ। मैं इसे देख ही लेता कि भाई इसके लिए मुझे क्या क्या ज़रूरत है। वैसे मुझे एक और सुपर एलॉय चाहिए, जो कि अगर मैं चाहूँ तो अभी के अभी यहाँ पर अपने को सिलिकॉन की कमी पड़ रही है, और अपने पास सुपर एलॉय तो भाई है अपने पास, तो फिर यार कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और एक मिनट भाई, मुझे यहाँ पर चेकआउट कर लेने दो, कि अब मैं इसे यहाँ पर, हाँ यार अब तो मैं इसे यहाँ पर बना सकता हूँ, तो क्यों ना इसे चल करके बना ही लेते हैं उस जगह पर मैं बनाने वाला हूँ जहाँ पर मैं कुछ टाइम पहले यहाँ पर बनाया था। तो फिर यार कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं, तो एक काम करते भाई सीधे चलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एक कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। सो गाइज़र फाइनली मैंने इसे यहाँ पर कंस्ट्रक्ट तो कर लिया, लेकिन यार दिक्कत वाली बात क्या हुई ना, कि यहाँ पर अपने सारे सारे बिजलियाँ चले गई, और पता नहीं यार इसकी कंजप्शन यार कितनी है, जो बार बार यार बिजलियाँ चले जा रही है। तो यार उसके लिए मुझे दोबारा से यार रीस्टोर करने का कोई मूड है नहीं, क्योंकि मैंने दो बारी ऑलरेडी रीस्टोर कर रखा है। तो एक बार मैं यहाँ पर बिजली का स्टेटस चेक कर देता हूँ कि कितनी की भाई कमी पड़ गई। तो इससे ना गाइस भाई साहब यार यहाँ पर 17 की कमी पड़ गई है। तो मैं ना गाइस कोशिश कर रहा हूँ कि ऑफलाइन सारे सारे काम करके इनकी समस्या जड़ से यार खत्म कर दूँ, और अपने सोलर पैनल को दोबारा से मैं ले आऊँगा वहाँ से जहाँ अपने फंसे हुए हैं। तो फिर बस यार आज के लिए बस रखते हैं। आई होप यू गाइस कि आप लोगों ने इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया होगा, और अगर आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया तो फटाफट से यार लाइक कर देना। तो फिर मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और मजेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।